Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to discuss about one of the most important topics nowadays, that is G20. So let us begin. First of all, we must know what G20 is. So as the name suggests, G20 is the group of 20, where 20 is the total members present in it. So G20 is an intergovernmental forum that comprises of 19 countries plus the European Union, and hence it has total 20 members. So if we talk about history, तो 1999 में एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे. उस टाइम पे काफ़ी कंट्रीज़ के फाइनेंशियल मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ को डिस्कस किया था और वो लोग कुछ सॉल्यूशंस के साथ इमर्ज हुए थे. तभी से G20 का फॉर्मेशन हुआ था. आफ्टर दैट 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए और उस टाइम पे ये जो मीटिंग्स थी, ये फाइनेंशियल मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के साथ साथ हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स की भी बन गई थी. और उस टाइम पे G20 ने एक बड़ा लेवल ले लिया था. तब से G20 हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग बन गई है और तब से एवरी ईयर G20 समिट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. एट प्रेजेंट G20 नेशन ग्लोबल पॉपुलेशन का 60% कंप्राइज करता है. ग्लोबल GDP का 80% रिप्रेजेंटेशन है G20 नेशंस का, एंड 75% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स G20 नेशन से है. तो ये ग्लोबल इकोनॉमी पे, G20 के नेशंस ग्लोबल इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं. ये हम इसके रिस्पेक्टिव डेटा से देख सकते हैं. अगर हम मेंबर कंट्रीज़ की बात करें, सो हेयर आर द मेंबर कंट्रीज़: कैनेडा, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की. दीज आर द 20 कंट्रीज़ जो कि G20 के मेंबर्स हैं. इन कंट्रीज़ का नेम आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सारी इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमीज़ हैं हमारे अर्थ की. तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ये MCQs में भी आ सकती हैं कि इसमें से कौन सी कंट्री G20 का पार्ट है, G20 का पार्ट नहीं है, या फिर जो रिगार्डिंग द करेंट प्रेसिडेंसी और द अपकमिंग प्रेसिडेंसी और द प्रीसीडिंग प्रेसिडेंसी, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है. हियर इज़ G7. G7 इज़ ऑल्सो एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम, एंड G8 वॉज ऑल्सो एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम, एंड G20 इज ऑल्सो द सेम. सो हेयर इज़ द डिस्टिंक्शन इन द कंट्रीज़. G7 में ये 7 कंट्रीज़ आती है: कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जब G7 में रशिया भी ऐड हो गया था, तब इसको G8 बोल दिया था. तो G8 में G7 की बाकी कंट्रीज़ के साथ साथ रशिया आती है, प्लस इन सब के साथ ये कंट्रीज़ और ऐड कर दो तो ये G20 बन जाता है. नेक्स्ट सेम है, G7 1973 में फॉर्म हुआ था. 1997 में इसमें रशिया ऐड होकर G8 बना. 2014 में रशिया ने G8 को लीव कर दिया, तो वापस से ये G7 बन गया. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो G20 की बात करें, G20 का कोई भी परमानेंट ऑफिस नहीं है या कोई परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है. G20 की जो प्रेसिडेंटशिप होती है वो हर साल हर इसके मेंबर कंट्रीज़ के बीच में रोटेट होती है. करंट ईयर में जो भी उसकी प्रेसिडेंट कंट्री होती है, फिर वही G20 की मीटिंग्स, ऑर्गेनाइजेशंस सब कुछ हैंडल करती है और उसकी हेल्प करती हैं उसकी प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग प्रेसिडेंट कंट्रीज़. G20 का फोकस बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस को संभालना होता है. तो बेसिकली ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ को हेल्प हैंडल करना G20 का फोकस है. बट अभी के लिए उसका एजेंडा एक्सपेंड हो गया है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एंटी करप्शन. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती हैं. अगर हम कुछ क्रूशियल रोल्स की बात करें G20 की, तो फिर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे G20 की हेल्प से इमरजेंसी फंडिंग हुई थी.
देन ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट G20 के मीटिंग का आउटकम था। देन इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म्स आए थे G20 की मीटिंग्स के बाद, बट G20 की जो डिक्लेरेशंस होती है वो लीगल बाइंडिंग नहीं होती है, तो वो कंट्रीज़ का आपस में डिस्कशन, कंसेंट और आपसी अंडरस्टैंडिंग का आउटकम होता है कि वो क्या चाहते हैं एंड कैसे अपने ग्लोबल हेल्थ और इंटर गवर्नमेंटल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और ग्लोबल ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। सो दैट इज़ देयर अंडरस्टैंडिंग, नॉट अ लीगल बाइंडिंग। G20 की वर्किंग की बात करें तो ये टू ट्रैक्स में चलती है। फर्स्ट इज़ दिस फाइनेंशियल ट्रैक, सेकेंड इज़ दिस शर्पा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक को लीड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज। शर्पा ट्रैक को लीड करते हैं शर्पा ऑफ मेंबर कंट्रीज। तो शर्पा वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। शर्पा बेसिकली, अगर शर्पा कहे जाए तो ये वो इंसान है या वो लोग हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी चीज़ को डायरेक्शन देते हैं। शर्पा बेसिकली डायरेक्शन देने का काम करते हैं। तो G20 मीटिंग्स में भी जो शर्पाज होते हैं मेंबर कंट्रीज़ के, वो इन मीटिंग्स के आउटकम्स को डायरेक्शन ही देते हैं। ये कंट्रीज़ के एमिशरीज होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है कंट्री गवर्नमेंट की तरफ से हर साल। फाइनेंशियल ट्रैक की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लीड करती है। ये लोग रेगुलरली मीटिंग करते हैं पूरी प्रेसिडेंसी के टाइम पे। एंड शर्पास जो होती हैं वो पूरे साल में जो नेगोशिएशंस होते हैं उसके एजेंडास को डिस्कस करते हैं, इस समिट के आइटम्स को डिस्कस करते हैं, फॉर्मल नोटिफिकेशंस या फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इसके रिटर्न में रिलीज करते हैं, एंड ऑल्सो जो वर्किंग होती है उसको एक डायरेक्शन देते हैं, एक फॉर्म देते हैं, समराइज करते हैं। अगर हम प्रेजिडेंसीज की बात करें तो करेंटली 2023 में इंडिया के पास है G20 की प्रेजिडेंटशिप, इसीलिए G20 इस टाइम का हॉट टॉपिक बन गया है। इंडिया की प्रेजिडेंसी चलेगी 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। अगर प्रीसीडिंग कंट्री की बात करें तो वो थी इंडोनेशिया एंड सक्सीडिंग होगी ब्राज़ील 2024 पे। तो फॉर्मली इंडिया रिस्पॉन्सिबल है इस साल के G20 की प्रेजिडेंसी की, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रिसीडिंग एंड सक्सीडिंग कंट्रीज़ यानी कि इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील इंडिया को सपोर्ट करेंगे प्रेजिडेंटशिप में। गेस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो वो है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमन, सिंगापुर, स्पेन, UAE। हियर इज़ द लोगो ऑफ G20 फ्रॉम आवर कंट्री दिस ईयर। सो द थीम ऑफ G20 इज़ वसुदेव कुटुम्बकम फॉर 2023। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वसुदेव कुटुम्बकम मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगर हम लोगो देखें तो लोगो को देख के पता चलता है दैट इट हैज़ बीन, द कलर्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आवर नेशनल फ्लैग, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू। हेयर इज़ द लोटस, द सेवन पेटल्स ऑफ लोटस रिप्रेजेंट्स द सेवन कॉन्टिनेंट्स कमिंग टुगेदर एंड दे आर होल्डिंग द अर्थ टुगेदर। See, this is the representation of Earth and seven continents are holding the entire population, the globe together. So, which depicts the theme of this year's G20 summit, that is sharing the global growth along being in harmony with the environment. Thank you. Aaj ke liye itna hi. आगे G20 के होने वाले सारे मीटिंग, सारे डिस्कशंस, आउटकम्स रिलेटेड हम वीडियोस लेकर आएंगे। अगर आपको किसी भी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।